क्षमावाणी पर्व पर जैन मंदिर बिहारीपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान निर्मल भक्ति समर्पित करते हुए अष्ट द्रव्यों से अर्घ समर्पित किए गए, जिसके बाद भगवान श्री महावीर स्वामी जी की पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें कूपन के माध्यम से इंद्रों का चुनाव किया गया। पीत वस्त्रों को धारण कर इंद्रों ने भगवान जी की पालकी को उठाया और मंगल घटे व बैंडबाजों की धुन पर झूमते हुए यात्रा में भक्त सम्मिलित हुए, जयकारे लगाते गए। आज हमारे यहाँ जैन समाज जो है क्षमावणी का पर्व मना रहा है। दस लक्षण पर्व के समापन पे आए क्षमावणी का पर्व, और ये ऐसा विश्व का ऐसा पर्व है जिसमें ना कोई उपहार दिया जाता है, ना शुभकामनाएं, ना बधाई, क्षमा मांगी जाती है। विश्व का ऐसा त्यौहार और जिसमें हम जाने अनजाने जो अपराध हमने वर्ष वर्ष में किए होते हैं उसका जो बोझ ढो रहे होते हैं, क्षमावणी पर्व हमें इसलिए राहत प्रदान करता है क्योंकि हम क्षमा मांग कर और दूसरे को क्षमा करके वो राहत प्रदान करते हैं। हमारे कवि दिनकर जी ने भी कहा है कि क्षमा उस भुजंग को क्या जिस जो गरल के साथ हो, और विनीत दंतहीन विषहीन व्यक्ति को क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। शोभा यात्रा हमारे बिहारीपुर जैन मंदिर से निकल करके और ये अपने इस्लामिया की ओर होते हुए, और क्षमा भाव का आज दिन है तो हम चाहते थे कि किसी भी राहगीर को कोई परेशानी ना हो, तो हमने अपना जो है रूट को भी कम किया। यहाँ पे कोई उद्घाटन भी हो रहा है पड़ोस में, तो हमने रूट को कम करते हुए और ये पुनः मंदिर जी में आके समापन हुआ इसका। और हमारे भगवान महावीर ने कहा है क्षमा वीरस्य भूषणम्, अगर हम क्षमा भाव रखते हैं तो हम अपनी गतियों को, हमारे दस लक्षण पर्व में पहला पर्व ही है उत्तम क्षमा। मार दो हम मान अहंकार को का त्याग करें और सत्य अहिंसा पे चले, अपनी शौच धर्म यानी शुचिता पवित्रता रखें। और सबसे ज़्यादा आज जो समाज में विकृति फैल रही है वो है महिलाओं और बच्चों के साथ अत्याचार। अगर हम उत्तम ब्रह्मचर्य का अपनी आत्मा में रमे रहें, और जिस प्रकार से महिला पुरुषों का विवाह होता है अपने एक ही अपने जो है उसके प्रति समर्पित रहें, तो ये समाज में विकृति का अंत होगा। आखिरी में केवल मैं इतना बताना चाहता हूँ कि विश्व में जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन इस तरह की जो हिंसात्मक गतिविधियाँ हो रही हैं, इससे आम जनमानुष के साथ जीव जंतु तक परेशान है, वातावरण भी दूषित हो रहा है। तो अगर हिंसा का भाव समाप्त हो और क्षमा का भाव उत्पन्न हो तो हमारी विश्व शांति की व्यवस्था बन जाएगी। भगवान महावीर स्वामी का जीव और जिनों का संदेश चरितार्थ होगा। कार्यक्रम में राजेश जैन, भूपेंद्र जैन, सुभाष जैन, संजय जैन, राजेंद्र जैन, सतेंद्र जैन, वैभव जैन, सुधीर जैन, कुणाल जैन, विकास जैन, के महेश्वरी, सुमन कुमार जैन आदि शामिल रहे। बरेली से डेली इंसाइडर के लिए अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।